हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस अभी किचन में आए हैं। आज मैंने बताया था कि कल मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे डे तो ओवर हो गया है और अब फिर से आज का सारा तो काम था ही, तो फिर इनको ऑफिस भी जाना था, तो मॉर्निंग से ही सारी रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में जब ये ऑफिस वगैरह चले गए तो केरी की तबीयत नहीं इस टाइम पे ठीक चल रही है, और कल रात में जब हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के लौट के आए थे तो उसके बाद में फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना दूध फिनिश किया। दूध फिनिश करने के बाद में फिर उसको एकदम से बहुत ज़ोर से खांसी आने लगी, और खांसी आने के बाद उसे एक वॉमिटिंग हो गई। हम लोग तो लेट गए थे, फिर पूरा क्लीन किया गया। क्लीन करने के बाद में फिर वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो उसको जब भी उल्टी आती है तो वो बहुत डर जाती है। तो उसके बाद में फिर उसको सारा साफ़ किया, साफ़ करने के बाद फिर उसको दवाई दी। दवाई देने के बाद फिर मैंने उसको सुलाया, सुलाने की कोशिश करी। ये सब करते करते मुझे खुद ही फिर 12 साढ़े 12 बजे मुझे नींद आई। तो उसके बाद में फिर आज सुबह फिर वही थोड़ा सा देर से उठी। उठने के बाद फिर थोड़ी सी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, फिर मैंने उसको मॉर्निंग वाली दवाइयाँ सारी दी, और हल्का सा फीवर भी लग रहा था तो मैंने उसके लिए उसको पैरासीटामॉल दी, जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं हमेशा, वही मैंने दिया। और उसके बाद में फिर दोपहर में फिर उनको सुलाया है, तो खैर अभी उठी है। तो बस उसी का थोड़ा सा उसका मन अजीब सा हो रहा था, तो बोली मम्मा पॉपकॉर्न खाना है। वो पॉपकॉर्न बोल नहीं पाती, पॉपकॉर्न बोलती है। तो वही बस मैं बनाने के लिए किचन में आई हूँ, तो अभी बस वही बनाऊँगी, उसको दूँगी जाके, फिर देखती हूँ शाम के खाने में क्या चीज़ें बनती हैं। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए, वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ खूब ज़्यादा सा सब्सक्राइब करिए आप लोग, और वॉच करिए वीडियोस को। कहीं पे कुछ कमी हो तो उसे भी नोटिस करिए, नोटिस करके कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करिए। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अपना वीडियो शूट कर पाऊँ, तो कोशिश पूरी रहती है। और बताना चाहूँगी कि केडी का एडमिशन भी कराना है, तो हम लोग उसके लिए भी अभी कोशिश में लगे हुए हैं। तो 8 जनवरी को स्कूल जाना है उसके, तो फॉर्म वगैरह 8 जनवरी को मिल जाएगा, वो सब लेंगे। तो जैसे जैसे वो चीज़ें उसकी शुरू होती जाएंगी, मैं आप लोगों के साथ में और अच्छे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, कुछ उससे जुड़ी चीज़ें, कुछ उसकी पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें। और फिर अब वो खुद भी बड़ी हो रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऑलरेडी करती रहती है, तो वो सब भी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखिए, और बताइए ज़रूर कि कहाँ पे मेरी कमी हो रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं वीडियो को पॉज करती हूँ। अगर कुछ और भी मैंने ऐड करने की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसी में उसको भी एडिट करके ऐड करूँगी। बाकी अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। तो गुड नाइट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय।